नमस्कार, आपण मानको समस्त को मोर चैनल हेल्दी फूड बाय वंदना को अनेक अनेक स्वागत। आपण मानको समस्त को मेरी क्रिसमस। आमे आज ए क्रिसमस उपलक्ष्य प्रस्तुत करिबा प्लम केक। यहाँ को आमे बिना अंडा बिना अल्कोहल प्रस्तुत करिबा। यह बहुत सॉफ्ट एवं बहुत टेस्टी होता है। आज आम भिवर का रिक्वेस्ट रे यहाँ ओवन ने बेक करवा। चलंतु ताले प्रस्तुत करवा। देखंतु मु नै छी हमर किसमिस चेरी ठीके काटि गिरी नै जे छोट छोट करी गिरी एपडे टूटी फ्रूटी कला किसमिस आ गोटे ग्रीन हमर ग्रीन टूटी फ्रूटी एतरो 2 टेबल चम्मच एटा 2 टेबल चम्मच एतरो भी 2 टेबल चम्मच एतरो 1 टीस्पून लेके ये सब गुड़क आम ये गोटे कप ऑरेंज जूस में रखी छे। ऑरेंज जूस रे आम सबूत भिजे कि गोटे घंटा दि घंटा रखीदे जो पर्यटन ये भल कर सोक कर ठीक अच्छे आम सब गुड़ाक ये भितर आड कर रखीदे। देखते सबूतक आम ऑरेंज जूस रे भिजेक रखीदे। ये देखो 1/4 कप चीनी को आम ये कैरमेलाइज करवा। देखो चीनी ये आस्ते आस्ते मेल्ट हो भल भाव में मेल्ट हाँ को दबा। देखो ये चीनी कैरमेलाइज हो गला बंद कर देके अल्प टिके पानी इतने आम एड करदे ठीक अच्छे। कंटिन्यूसली घंटे ना से टाण होगा बंद करदे। मुझे 1/4 कप पाउडर सुगर आम 1/4 कप सुगर आम कैरमेलाइज कर देचे तेन 1/4 कप पाउडर सुगर नेली एठी नेची तबे एठी नेची मो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एठी नेची 4 बड़ टेबल चम्मच ऑयल ऑयल जगह रे आपण बटर भी दे परंती एठी नेची हमरो 4 टेबल स्पून नेची मो मिल्क पाउडर आ 1/4 कप नेची दही नेची आई मीन तेल दही आ चीनी ये सब नहीं कि प्रथम भल भाव में मिसई देके गोटे बैटर तैयारी करना एकदम भल भाव में मिसई दबा। 4-5 मिनट आम भल भाव में मिसई देने भल भाव मिसी जा। देखो आमर के भल भाव में बैटर टी प्रस्तुत होगा। एवं आम बाकी जिनस ये आड करवा। आम ये आड कले 1 कप मैदा तापर आम जो नहीं आमर मिल्क पाउडर आमर 1 टीस्पून जो नहीं बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ये सब छाणी आगे सल्ट मिसेक आम एगुड़ाक सब तक छाणी आमर बटर सांग आड करदे ठीक अच्छे। ये गोटे पिंज आम सल्ट सब तक छाणिकांग आड करदे। एबरे आम आड करवा आमर आम जो कैरमेलाइज करके सुगार रखी आम आड करवा भिजे की जो ड्राई फ्रुट्स सब रखी सब आड कर ना अल्प किसी रखीद ऊपर आम डेकोरेशन आगे सब आम आड करदे। देखो हाफ कप काजू आउ आलमंड को काटिकी मुझे रखी ताकूर मुड कर एड कले 1/2 टीस्पून डालचीनी पाउडर 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर जिंजर पाउडर पकड़े या बास्ना बहुत बढ़िया आसे तेरे पकेबे। ये आगे गुजराती गुंड ए सब गुड़ाक भल भाव में मिसई ना ये दरकार आम अल्प टिके क्षीर आड करवा। टे बहिया हो जाए बेस बहिया लगुच आम अल्प टिके क्षीर ये आड कर ना बंद अल्प टिके क्षीर आड करवा। देखो 1 टीस्पून वैनिला एसेंस एड कले। देखो ये सामान्य जायफल को आम जायफल को सामान्य भाषिक आड करदे जायफल पक बहुत बढ़िया बास्ना होता है सब को आम भल भाव में मिसई दबा। देखो आम बैटर थर रेडी होगा आम ये आगुरी गोटे केक टीन मो मैदा डस्टिंग ऑयल मारिक मैदा डस्टिंग कर रखी मैदा टी लगे रखी तो बर्तमान आम आम बैटर को ए ओभेन करवा 180 डिग्री रे आम 40 मिनिट्स पर्यंत पेक करवा। आपन जदि कड़े करा चाहिए तेल 10 मिनट कड़ई में प्रथम आपड़ कड़े को गरम करदे 10 मिनट मीडियम आंचे तापर ताको 50 मिनिट्स जाए लो टू मीडियम फ्लेम मैंने प्रथम टिके लो फ्लेम देवे मीडियम देखिए आप 45 मिनिट्स देखिए थे जे है कि नई तथा 50 मिनट पर्यंत देखिकी आप देते ठीक अच्छे। बर्तमान आम जा बेकिंग करदे आमर ओभेन में
ଏବେ ଆମ କେକ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରୁ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀ ପୁରା ବି କ୍ଲିନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର କେକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେକ୍ ବା ପ୍ଲମ୍ କେକ୍କୁ ବନେଇ ନେଲେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିଲା ଫିଲିଙ୍ଗ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।